एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी, सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं नहा वहा ली हूँ और नहा के आई हूँ पहले तो पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप पूजा ना करें ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो चलिए पहले कर लेते हैं घर की पूजा। घर की पूजा करने के बाद घर में एक बहुत अच्छा सा माहौल हो जाता है, मीन्स क्या बताओ, मतलब पॉजिटिविटी हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी पूजा कर लेते हो ना तो घर में एक अलग ही रौनक रहता है। तो बस यहाँ पे मैं सुबह पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं तुलसी मैया और भोले बाबा में जल चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पता है बालकनी का एक ही दो पेड़ है जो ठीक है, नहीं तो बाकी जितना भी मैं फूल का पेड़ लगाई थी ना, सारे फूल ना मेरे सूख गए। मैं मायके गई ना, उसके दौरान हस्बैंड उतना फूल में ध्यान दिए नहीं। उसके बाद मैं मायके से आई तो भी मैं दो टाइम पानी जो है ना सुबह और शाम में दे रही थी, लेकिन फिर अभी तीन चार दिन मुझे पूजा पाठ नहीं करना था, उस दौरान मैं फूलों में पानी भी मैं नहीं देती हूँ, तो फिर मेरे प्लांट्स ना वैसे ही हो गए हैं। अब सोच रही हूँ कि नया लगा लेती हूँ, फिर सोच रही हूँ अभी नहीं लगाती हूँ, होली में आती हूँ घर से उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि होली के टाइम पे ना मतलब क्या ही होता है ना कि होली में जाऊँगी तो फिर चार पाँच दिन पौधों में पानी नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, सारे पौधे ना ख़राब हो जाएंगे फिर से। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फूल का पेड़ और भी लगाऊँगी, लेकिन मैं आती हूँ ससुराल से पहले उसके बाद। तो जी हाँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं होली में ससुराल जा रही हूँ, तो यहाँ सीधे मैं किचन में आ गई हूँ और किचन की जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाई थी रिशांग के लिए, फिर उसके लिए टिफ़िन बनाई, फिर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट दी, फिर हस्बैंड का लंच, तो ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है ना वो लग गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अब रिशांग के लंच की तैयारी करूँगी और अपने लंच की तैयारी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जो मेरा ब्रेकफास्ट है ना वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से किचन को गंदा फैला के मैं खाना नहीं खा पाऊंगी शांति से। तो मैं पहले किचन में आके सब पूरे किचन को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप कुछ भी किचन में काम करते हैं ना तो किचन आपका फैल ही जाता है और फिर गंदे किचन में काम ना मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मुझसे कहोगे साफ़ सुथरे किचन में काम कर लो तो वो मैं कर लूँगी, लेकिन गंदे किचन में काम वो मुझसे नहीं होता है। तो बस यहाँ पर पहले किचन के सारे बर्तन जो है उनको सेट कर देती हूँ, जो धुले हुए थे उनको सेट कर दी, फिर जो खाना बना हुआ था उनको मैं अलग रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि जैसे आज दलिया का पैकेट फारी ना, तो दलिया को कहाँ रखूँगी, तो डब्बा ही नहीं मिल रहा था दलिया वाला, कि दलिया वाला हाय डब्बा गया काम, तो मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं था तो मैं उसको साइड में रख दी हूँ, बाद में देखती हूँ कि कहाँ है नहीं है। उसके बाद यहाँ दूध जो बॉयल की थी वो सब रख देती हूँ। तो जी मैं जैसे होली से कोशिश करूँगी एक दो दिन पहले जाऊँ ससुराल, देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि हस्बैंड का भी तो उतना दिन मतलब छुट्टी पहले से ही नहीं मिलेगा, जैसे छुट्टी मिलेगा वैसे ही जाएंगे घर पे। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे होली का इस बार ब्लॉग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जी हाँ, इस बार आपको होली का ब्लॉग मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जब मैं हूँ तो होली का ब्लॉग भी तो मिलेगा ही ना। तो बस यहाँ पर किचन जो है उसको क्लीन कर लेते हैं ये सब कुछ, और एक बार गैस वैस क्लीन कर दो ना तो टेंशन फ्री हो जाओ काम से, फिर उतना तसल्ली से फिर खाना वाना जो है वो मैं खा सकती हूँ। तो अभी मुझे ना ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट में आज मैं दलिया बनाई थी, रिशांग को आज टिफिन में मैं माइक्रोनी दी थी, और मैं उसको दलिया आज ब्रेकफास्ट में उसको भी दलिया खिलाई हूँ, हस्बैंड को भी दलिया खिलाई, मैं भी दलिया खाई हूँ, तो आज ब्रेकफास्ट में सभी लोग दलिया ही खाए हैं। और हस्बैंड के लंच में वही आलू परवल की भुजिया दही रोटी यही सब उनके लंच में जाएगा। सो अभी पहले तो ये सारे फटाफट से मैंने किचन क्लीन कर लिया है, तो देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा और चकाचक मेरा किचन लग रहा है। जब किचन साफ़ सुथरा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किचन ही नहीं पूरा घर अगर साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। अभी मेरा बेडरूम ऐसा फैला हुआ है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत सा मुझे काम था तो मैं सोची कि काम कर लूँगी। तो यहाँ पर पहले तो लंच का तैयारी कर देती हूँ, आटा गूंथने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि रिशांग स्कूल से आएगा तो फिर मैं उसे फटाफट से रोटी या पराठा जो है बना के दे दूंगी, और उसके साथ ही मैं भी लंच कर लूंगी। मैं भी अपने लिए पराठा तो नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं आटा गूंथने के लिए रख दूंगी। रिशांग फैमिली ब्लॉग पे मुझे कमेंट आया था कि ये आप ये क्या है, तो ये आटा गूंथने वाला मशीन है जिसमें आप इजिली आटा रख के और बहुत अच्छे से आटा जो है इसमें बहुत अच्छे से गूंथ जाता है। तो बस ये मैंने कर दिया है और अभी से फटाफट से जो दलिया है उसको गरम कर लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में दलिया ही खा रही हूँ, तो इसीलिए दलिया जो है पहले दलिया को ना गरम कर देते हैं। गरम करके दलिया और दलिया के साथ मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दलिया और दही जो है मैं ब्रेकफास्ट फटाफट से ना कर लूँगी। Thank you.
सुबह में जैसे ही निशांक उठता है ना, अपने सारे खिलौने को स्कूल जाने से पहले ना वो पूरा इस बेड पे ना खिलौना बिखरा देता है, जबकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता स्कूल जाने टाइम पे, फटाफट से वो ना उसको तैयार करवाना पड़ता है, पर उसी में अपना पूरा खिलौना वो फैला देता है। अच्छा, ये मैंने पिलो कवर रखा है, जो पिलो जो बेडशीट काम का नहीं होता है ना, उसका पिलो कवर मैं यूज़ इस तरीके से कर लेती हूँ, जैसे खाना वाना खाना है तो उसके नीचे रख लो और खा लो। उसके बाद कपड़े जो है, जितने भी कपड़े थे उनको सोची कि मशीन में लगा देती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ जो घर का क्लीनिंग का काम करूँगी तो उसके साथ साथ मेरे कपड़े भी जो है वो भी धुल जाएंगे। तो एक साड़ी था उसको छोड़ दी हूँ, क्योंकि वो अगर इसमें डालूँगी तो ख़राब हो जाएगा इस वजह से, तो वो थोड़े देर में या तो हाथ से ही धो दूँगी साड़ी, या तो फिर 15 मिनट वाला मतलब कि सिस्टम में लगा दूंगी। तो ये लिक्विड भी मेरा ना ख़त्म होने वाला है, काफ़ी अच्छा लिक्विड है, इसका स्मेल भी जो है ना काफ़ी अच्छा है, एकदम लाइट स्मेल है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन ख़त्म होने वाला है, देखती हूँ ऑनलाइन नहीं होता ना तो मैं ऑर्डर करके ना मंगवा लूँ, क्योंकि ये सब सामान मैं ज़्यादा करके ना ऑनलाइन मंगाती हूँ। अच्छा, उस दिन मैं अलमीरा ठीक की हूँ तो कुछ कपड़े थे जिनको मुझे इस ट्रंक में डालना था, हम लोग इसको ट्रंक बोलते हैं, बहुत लोग पेटी बोलते हैं, बहुत लोग बॉक्स बोलते हैं, बहुत लोग बक्सा बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं, तो मुझे ये सारे कपड़े इसी में रखना था, क्योंकि मेरे इसमें सारे कपड़े रहते हैं, टोटल कपड़े मेरे आपको इसी में मिलेंगे। जैसे कि जो स्पॉन्सरशिप के भी जो कपड़े होते हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, या कुछ ठंड के कपड़े, या जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो इसमें रखती हूँ। और इसमें कुछ ब्लैंकेट भी है, कुछ डेकोरेटिव आइटम भी है जो मैं इस घर में नहीं लगाई हूँ, वो बहुत सारे आइटम्स हैं। तो जो कपड़े मेरे यूज़ के नहीं है, जैसे कुछ ब्लाउजेज थे जो मुझे अभी तो नहीं पहनना है, कहीं जाना आना है तभी यूज़ करना है, तो उनको मैं अलमीरा में रख ही नहीं थी, तो मैं सबको इसमें रख देती हूँ। मैं ये सोची कि इसमें रख देती हूँ, फिर एक ना ऑर्गेनाइजेशन वाला जो बैग आता है ना, जो आप मेरे उसमें देख रहे होंगे बॉक्स में, वैसा बैग एक्स्ट्रा मंगा के फिर सारे सामान जो है उनसे अच्छे से एडजस्ट जो है वो कर दूँगी। तो जो लोग चैनल पर न्यू है, अगर बिना सब्सक्राइब किए अभी तक देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो स्किप कर करके नहीं देखिए, पता नहीं कितने लोग तो स्किप कर करके अभी तक भाग भी गए होंगे वीडियो से। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं एक ही डेली एक ही काम दिखाती हूँ, तो देखिए मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाती कि मैं आप लोग को डेली कुछ और दिखाऊं, तो मैं जो काम करती हूँ मैं आप लोग के साथ वही ना शेयर करूँगी दोस्तों। तो मेरी मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना बस घर का ही काम शेयर करती हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर है जो अपने घर का काम शेयर करते हैं, क्योंकि और मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँगी, है ना। तो इसीलिए जो अपने घर का, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो डेली लाइफ रूटीन का कंटेंट है, मैं अपने बारे में आप लोग को, मेरी लाइफ के बारे में मैं आप लोग को अपडेट करती हूँ, तो मैं तो वही शेयर करूँगी ना, है ना। तो चलिए पहले तो फटाफट से बेडशीट जो है वो लगा लेते हैं, और मुझे इस जो ये बेड है ना, इसका जो गद्दा है ना वो मुझे चेंज करना है, तो अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं मार्केट जाऊँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं मार्केट जाके पहले तो इस गद्दे को चेंज करना है, और ये गद्दा देखती हूँ क्या करूँगी, मैंने भी कुछ सोचा नहीं है इस गद्दे का क्या करूँगी, या तो फिर घर ले कर चली जाऊँगी, घर पर अगर किसी बेड पर यह गद्दा सेट हो जाएगा तो वहाँ पे डाल दूँगी, और यहाँ पे ना वो अच्छा सा गद्दा जो है ना वो मैं लूँगी, सोच रही हूँ एक दो दिन में ले लूँ, देखती हूँ अगर आप लोग के साथ तो शेयर करूँगी अगर लूँगी तो अभी देख लेती हूँ एक दो दिन, उसके बाद जो है ना ही लेंगे।
इतने सारे कपड़े थे फोल्ड करने के लिए, कल सारे कपड़े सूख तो गए थे लेकिन कल कोई भी कपड़े को ना मैं फोल्ड नहीं की थी, तो मैं अभी आराम से बैठ के और सारे कपड़े को फोल्ड कर दूंगी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सारे कपड़े को फोल्ड करना एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं फोल्ड करूँगी तो फिर पूरे फैला रहेगा, और आपका दो चीज़ घर में कपड़े और बर्तन अगर फैला हुआ है ना तो फिर आपको खुद ही देख देख के ना अजीब सा लगेगा। सो इसी वजह से अच्छा मुझे एक चीज़ याद आया कमेंट में कि आपका पेमेंट कितना आता है, तो मैं इस टॉपिक पे बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैं अर्निंग कितना करती हूँ, कितना मुझे पेमेंट मिलता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ एक दिन एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड। ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, और आप लोग से मैं कुछ भी नहीं छिपाती हूँ, हर बात आप लोगों को बताती हूँ, तो ये बात कैसे नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी, बस हर चीज़ का एक सही टाइमिंग होता है, तो वो सही टाइम का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी मंथली अर्निंग पेमेंट अभी फ़िलहाल क्या है और नहीं है। पहले का तो मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, अच्छा कपड़े जितने थे तह लगाई थी, सारे कपड़े को मैं रख दी हूँ, उसके बाद आ गई हूँ इस सिंक को क्लीन करने के लिए, मतलब वाश बेसिन को, क्योंकि ये थोड़ा सा भी वाइट कलर का ना थोड़ा सा भी गंदा होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। तो मैं इस तरीके से ना हैंड वाश को इस पर डाल के धो देती हूँ, इतना चकाचक सा ना पूरा साफ़ हो जाता है, एकदम वाइट है ना तो, और गंदा होता तो पता भी चलने लगता है। तो इस तरीके से मैं इन सबको देख सकते हैं आप क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग आज से मिलती हूँ और थोड़ी बहुत बातें करूँगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब, इतना काला काला फेस आ रहा है ना, तो कैसे आप सब, हाउप आई मीन होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड। बाहर का कुछ आवाज़ आ रहा है, अभी मैं तसल्ली से थोड़ा सा आराम करूँगी और फटाफट से आप लोग के साथ जो वीडियो है ना मेरा वो शेयर करूँगी। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, और जो लोग चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग ना वीडियो क्या करते हो ना कि स्किप कर करके देखते हो। तो अभी टाइम शायद 11:30 हो रहा होगा या 12 भी बज गया होगा पता नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो फटाफट से एडिटिंग करूँगी और उसके बाद आप लोग के साथ पब्लिश करूँगी, क्योंकि आज मेरा कोई ब्लॉग पहले से शूट नहीं था, तो यही ब्लॉग जो है वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ तो वाईफाई लगा हुआ है तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपका वीडियो कितने देर में अपलोड होता है, तो जी वाईफाई लगा हुआ है बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा पता है आपको, मैं मेला गई थी ना तो मैंने ये वाला रबर लिया था, देख सकती ये इतना, मतलब ये वाला रबर मैं ली ना तो मुझे लगा कि ना बाल में अच्छे से ना लग जाएगा, लेकिन ना ये रबर जो है ना जैसे दो छोटी छोटी बांधते हैं ना या फिर एक छोटी बांध के जो लगाते हैं ये गार्डर, तो वो ये वो वाला है, मुझे लगा कि पूरा वाला है, तभी मैंने सोचा 10 रुपये में दे रहा है, इतना सस्ता दे रहा है, तो कोई बात नहीं देखूंगी किसी को दे दूंगी या फिर कभी कल मैं अगर छोटी मोटी करती हूँ तो लगा लिया करूँगी। चलिए गाइस बाय, टेक केयर, लव यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, आप लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाय बाय।